नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी 30 चैनल में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं ईस्टर्न रेलवे में 2792 अप्रेंटिस की वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। तो अगर आपने आईटीआई किया है, 10वीं पास है, तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है दोस्तों। यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे में 2792 वैकेंसी की पोस्ट आ चुकी थी। इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे, क्या क्या योग्यताएं हैं, कितनी वैकेंसी है, किस डिवीजन में कहां कहां कितनी वैकेंसी है और क्या योग्यता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है और बाकी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए इसका आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। जब यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ एक ऑप्शन हो रहा है नोटिस बोर्ड का, तो सिंपली आपको नोटिस बोर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नोटिस बोर्ड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी निकली होगी यहाँ पर शो हो जाएगी, देख सकते हैं इस प्रकार से। आप इसमें देख सकते हैं सबसे पहली वैकेंसी जो आपको मिल रही है, यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन एक्ट अप्रेंटिस फॉर ईयर 2019-20 के लिए। तो सिंपली इसी पर क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए यहां पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके मैं ओपन करके आपको सिंपली दिखा देता हूं यहां पर। तो दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जब आप ओपन करेंगे तो इस प्रकार का आपके सामने देख सकते हैं पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ईस्टर्न रेलवे की ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले चलिए देख लेता हूँ कब से कब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा। तो ये नोटिस देखते थे 27 जनवरी 2020 की पब्लिश हुई है और ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 14 फरवरी 2020 से। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 13 मार्च 2020 तक ये लास्ट डेट है। इसके बीच में आपको अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो 30 मार्च 2020 को आपका रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। चलिए बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद वैकेंसी टेबल देख लेते हैं। तो वैकेंसी टेबल यहाँ पर डिवीजन वाइज जो है यहाँ पर वैकेंसी टेबल दी गई, टोटल 2792 वैकेंसी है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हावड़ा डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी डिवाइडेड की गई। यहाँ पर देख सकते सबसे पहले फीटर की बात करते हो तो 281 वैकेंसी, वेल्डर के लिए 61 है। इसके अलावा मैकेनिक के लिए 9 पोस्टें हैं, मैकेनिक डीजल के लिए 17 पोस्टें हैं। इस प्रकार जैसे मशीनिस्ट के लिए 9 पोस्टें, कारपेंटर के लिए 9 है, पेंटर के लिए 9 है। यहाँ पर वायरमैन के लिए 9 पोस्टें, इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के लिए 220 पोस्टें हैं। तो यहां पर फीटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है। टोटल मिलाकर हावड़ा डिवीजन में बात करें तो यहां पर देख सकते हैं 659 वैकेंसी है। यहाँ पर देख सकते हैं 659 वैकेंसी है, देख सकते हैं इस प्रकार जो है। इसके बाद सियालदा डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर आप वैकेंसी टेबल देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपको 526 मिल जाएगी। ट्रेड वाइज यहाँ पर वैकेंसी आपके सामने है, वैकेंसी टेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मालदा डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर 101 वैकेंसी है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं अनसोल्ड डिवीजन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको 412 मिल जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों आपको नीचे चले जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार आप पूरी वैकेंसी देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से। टोटल 2792 वैकेंसी है। तो यहाँ पर मैं वैकेंसी टेबल आपको दिखा दिया। ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए और बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद तो यहाँ पर आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर चलिए एजुकेशनल यहाँ पर क्या योग्यता रखी गई देख लेते हैं। तो योग्यता की बात करें सबसे पहले एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज आपकी 15 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पर 24 साल रखी गई। इसके अलावा आपको अगर रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको एज में यहाँ पर छूट मिल जाएगी, रिजर्वेशन मिल जाएगी दोस्तों। देख सकते हैं जो भी जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर एजुकेशनल की बात करें तो आप 10th पास होने चाहिए। इसके अलावा आप 10+2 सिस्टम के आधार पर 10th पास होने चाहिए। इसके अलावा मिनिमम कितना 50% के साथ, 50% के साथ आप 10th पास हैं। इसके अलावा आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों में से कोई भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद चलिए दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जान लेते हो। सिलेक्शन जो होगा आपका मेरिट के आधार पर होगा, आपके 10th और आईटीआई के परसेंटेज का जो होगा उसी के मेरिट पर आधार का सिलेक्शन होगा। कोई भी एग्जाम नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए और बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर अप्लीकेशन फीस की बात करें तो अगर आप जो है यहाँ पर देखते हैं अगर आप ओबीसी और जनरल कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपये की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और ओमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रही। ओमेन चाहे जिस कैटेगरी से हो कोई भी फीस नहीं रखी गई है, केवल जनरल और ओबीसी के मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की फीस पेमेंट है। चलिए अब देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू नहीं हुआ है तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वीडियो आपको मिल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। चलिए यहाँ पर आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन दी गई कैसे अप्लाई करना है। इसके अलावा
कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन अदर टर्म एंड कंडीशन भी दी गई है, आप इसको रीड कर सकते हैं अच्छे से, इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए और बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पर, तो इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। जैसे ही वैकेंसी स्टार्ट होगी, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं बता दूँ दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की बुक की आवश्यकता हो, डेली मैगजीन न्यूज़पेपर की आवश्यकता हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप फ्री में बुक मैगजीन न्यूज़पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।